गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 12 तारीख ऑफ फेब्रुवरी और आज ये आ गया है हीरो फोर्ज़ा, वो थंब में पहनने के लिए गेमर्स के लिए, तो फिंगर अब अटकेंगे नहीं, गेम भी खेलेंगे मस्त वाले। और ये वाला गिव अवे करना है, जल्दी बता दो जिसको भी चाहिए। इसकी लाइट ऑन हो गई, ये वाला गिव अवे करना है, जल्दी से बता दो। हीरो फोर्ज़ा से पार्सल आया है, हमने मंगवाया था अमेज़ॉन से, जो तो इसमें है गेमिंग के लिए एक एसेसरी, बताता हूँ मैं आपको। तो ये आया है बिल इसका, और ये हीरो फोर्ज़ा से दो पेयर आए हुए, मैंने तो एक ही मंगवाया था, दो आ गए, वाह ये सही है, एक के साथ एक फ्री, थैंक यू हीरो फोर्ज़ा। अभी इसके अंदर टेक योर गेमिंग टू द नेक्स्ट लेवल, वाह सही है। तो ये थंब में ऐसे पहनने का है, ये कार्बन और कॉटन से बने होते हैं, तो कार्बन कंडक्टिव होता है, तो ये स्क्रीन पर चलते, तो गेमिंग अपन खेलते ना तो ये अटकते हैं, तो अभी इससे एकदम स्लाइड होंगे, स्क्रीन पर अटकेगा कुछ भी नहीं, पसीना आता है या ऐसा होता है ना, उससे अटकता है। तो ये एक पेयर दोनों थम्स के लिए 150 का आया है, और जैसा मुझे क्वालिटी मैं सोच रहा था सेम वैसा ही है, मुझे लग रहा था खराब तो नहीं होगा, बट अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छा है इसका, लोगो मस्त है इनका, सही लग रहा है एकदम, ऐसा लग रहा है गेमिंग मोड ऑन। अबे एकदम सही, अब पसीना आएगा कुछ भी तो भी कुछ नहीं, एकदम मस्त स्लाइड हो रहा है, बट अभी कितना भी ताकत लगा रहा हूँ मैं इस पे स्क्रीन पे, और लेकिन फिर भी स्लाइड हो रहा है थंब, इसकी आदत डालनी पड़ेगी, थोड़ी हो जाएगा। अबे कपड़े पहन लो, कैसे नंगे खड़े हो चड्डी में, कपड़े पहन के तो भेजते BGMI वालों, कैसा है बेचारा गरीब, गन पकड़ा दी बस गरीब को। गिटार के बैग पे सो रही है, देखो एक घंटे के लिए रहता है इसका, स्टूडेंट का बैग है गिटार का, उस पे सो जाती है। आज के शेड्यूल की क्या ही बोलूं यार, मतलब अभी 5 बज गई है, 5:15 हो गई है, और अभी 3 क्लासेस और बची हैं, तो 9:30 बजे तक मैं घर पे आऊंगा, खाना भी नहीं खाया अभी मैंने, बट मैं सो गया आज का खाना, अब रात में डिनर थोड़ा लेट करूंगा, तो सीधा भागता हूँ 3 क्लास करने जाता हूँ, आज कैमरा नहीं ले आ रहा, टाइम भी नहीं है ब्लॉग करने का। सो गाइस 9:30 बज गए हैं अभी, और अभी आया जस्ट मैं ट्यूशन से, इतनी भूख लग रही थी ना सच में, बट भगवान की ऐसी इच्छा कि एक ट्यूशन में, मतलब पेरेंट्स ने, एक बच्चे के पेरेंट्स ने मुझे थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा क्या, अच्छा खासा खाने को दे दिया, मैंने तो मांगा भी नहीं, तो अभी भूख थोड़ी शांत है, तो काम चल गया अपना, मतलब काम, ये तो प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो अभी कुछ देखते हैं, सब्जी तो खत्म हो गई है, तो कुछ बनाते हैं, छोटा मोटा खाते हैं, अभी ये देखना है क्या खाते हैं, देखते हैं, चलो प्लान करते हैं कुछ, तो जाता हूँ मैं कुछ लेके आता हूँ, फिर आगे का कार्यक्रम क्या है आज रात का देखते हैं। 1-2 बजे तक काम करना है आज, थोड़ा काम करते हैं उसके बाद। पिक्सी हट जा, देखो बिस्तर कर रहा हूँ, हट नहीं रही, हट जा, दब जाओगे उसके नीचे, बैठो, बड़ी ढीठी है यार, अबे उठ जा, उठो 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 उठो, जल्दी उठो, हल्का है वैसे ये, थोड़ा वजन डालना पड़ेगा, हाँ अब उठी। बच्चों के एग्जाम खत्म हो गए, कोविड का भी अभी इफेक्ट कम हो गया है ना, तो बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद, मतलब 1-2 महीने बाद वापस से, आज 5 क्लास थी एक साथ, तो काफी हेक्टिक भरा डे था, हो गया पूरा, बस अब सोते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपका होस्ट रोहित जायसवाल, और यार सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, सब्सक्राइब कर दो, देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज सबसे पहले। तो आज हम, पहले तो मैं एक्सरसाइज करता हूं, के बाद सारे एक्वेरियम का आज मेंटेनेंस करेंगे, तो सूर्य नमस्कार करना है, तो स्टेप्स 12 स्टेप्स होते हैं टोटल, देखो मैं बताता हूँ आप। पहला स्टेप है प्रणाम करने का सूर्य को, बट सूर्य तो है नहीं यहाँ पे, नॉर्थ साइड है ये, तो स्टार्ट करते हैं, पहले पीछे जाना है, फिर पूरा नीचे स्ट्रेच करते हुए, ये पैर टच होना चाहिए, फिर राइट लेग पीछे स्ट्रेच करना है इसको भी, हाथ से थाई स्ट्रेच होना चाहिए, फिर दोनों पैर पीछे, माउंटेन पोज बोलते हैं इसको, उसके बाद साष्टांग, फिर ऊपर देखना है पूरा पीछे, फिर वापस माउंटेन, और राइट लेग पीछे लिया था अपन ने पहले, तो राइट लेग ही आगे लेना है, सेकंड टाइम में लेफ्ट लेग का करेंगे, स्ट्रेच करना है, फिर दोनों पैर आगे, फिर पीछे, और फिर प्रणाम। तो ये हो गया पूरा एक साइकिल, ऐसे 4 साइकिल तो करना ही चाहिए। तो ये 4 बार कर लिया अभी, इससे पूरा बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, स्ट्रेच भी हो जाता है और स्ट्रेंथ भी आती है। तो अब डिप्स लगाते हैं, चेस्ट की मसल्स के लिए एक्सरसाइज, जिसको पुशअप भी बोलते हैं, तो मैं हाथ दूर रखता हूँ और सीधे नहीं रखना है, थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ पंजे निकाल, बैक पूरा सीधा होना चाहिए, और ब्रीद इन करके होल्ड करके डिप्स लगाना है। ये आ गई, देखो
बहुत परेशान करती है, मस्ती करती है, मतलब परेशान तो नहीं करती, मस्ती करती है। आराम बहुत मस्ती करती है ये, बहुत मस्ती करती है ना। रुक रुक, तेरे को दबाई देता हूँ, दबा देता हूँ, चिको दबा देता हूँ। अरे कहाँ जा रही है, दबा देता हूँ, ले आ जा नीचे, दब जा दब जा, सो जाऊँगा तेरे ऊपर, सो जाता हूँ मैं। अभी कैसा रहा, मजा आ रहा है? हाँ डिप्स कर रहा हूँ, डिप्स नहीं लगाने दे रही है। नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा आज। अब क्या करेगी? तो अब हम करेंगे शोल्डर्स के लिए एक्सरसाइज। तो मेरे पास डंबल्स हैं, ये 12.5 kg का एक डंबल है, पहले फ्रंट। हाँ टोटल 25 kg था दोनों डंबल का। अभी यार जिम तो बंद है, 2 साल से ऐसा हो रहा है, मैं जिम की फीस भर रहा हूँ पूरे साल की, और लॉकडाउन होकर जिम बंद हो रहा है, लॉकडाउन होकर जिम बंद हो रहा है। तो 2 साल मेरा बहुत लॉस हुआ, मैंने सोचा ये साल देख लेते, वेट कर लेते, अगले साल से करेंगे। तो इसलिए घर पे एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं। वैसे भी घर पे सब कुछ है, पीछे वो है, बाहर है तो उस पे पुलअप्स हो जाता है, डंबल है, बाकी सब हो ही जाता है घर पे। ये मेरा ही शिकार कर रही है, वो कहावत है ना, मेरी बिल्ली मेरे को ही मैं आऊँ, तो वैसा ये सच करके दिखा रही है मेरे को। मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो शिकार कर रही है आगे मेरा, एकदम वैसे शिकारी के पोज में। क्यों कचू कचू कचू, हाय कर दो, हाय गाइस, हाय गाइस, हाय, खा दे मुझे को, मैं आ आ आ, क्या है करने देना है, वो क्या है, अरे अरे अभी मत करना, एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं। और तेरी की तो क्यों काट रही है, क्यों काट रही है? और ये है बाइसेप्स। पहले थोड़े पम्प्ड अप हुआ करते थे, बड़े हुआ करते थे, अभी थोड़े छोटे हो गए, वापस कर लेंगे, 1 महीना लगेगा अप्रॉक्स। तो ये है हमारे घर का ड्राइंग एरिया जहाँ पे हम कपड़े सुखाते हैं, वॉशिंग मशीन पे ये कैमरा रखा हुआ है, और यहाँ रोप से पीछे रोप से, और ये जो मैंने पाइप लगाया है इसको मैंने लगाया है पुलअप्स के लिए। तो ये थोड़ा मोटा पाइप है, मेरा वेट सहन कर ले इतना, तो इस पर मैं पुलअप्स लगाता हूँ। ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं, पहले ये वाली लगाता हूँ। अब एक वाइड वाली लगाते हैं। नहीं लग रही यार, हो गया आज के लिए एक्सरसाइज पूरी, धीरे धीरे स्टेमिना और स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो गोल्ड फिश का टैंक साफ कर दिया और इसमें पानी भी भर दिया है, इतना पानी मैंने पुराना वाला निकाला और ये नया पानी है इतना, तो इससे ज्यादा नहीं करना होता, नहीं तो लोग पुराना धो के मांज के बर्तन के जैसा और पूरा नया पानी भर देते, उससे फिश को ना प्रॉब्लम होती है, वाटर केमिस्ट्री एकदम सडन चेंज होता है ना, इसलिए। तो पूरा कभी चेंज नहीं करे, ज्यादा से ज्यादा 50% चेंज कर दो, हर हफ्ते भी चलेगा या हर महीने भी चलेगा, अगर बड़ा टैंक है तो हर महीने चलेगा, मैं हर महीने में एक बार करता हूँ। ऐसे केमिस्ट्री सेम रहेगी तो इनको प्रॉब्लम नहीं होगी, सडन चेंज होगा तो फिर प्रॉब्लम होती है, इसलिए ज्यादा पानी, पूरा पानी तो कभी भी चेंज नहीं करना। और इसके बाद है ये एक्वेरियम 2 फीट वाला जो गिव अवे कर रहा हूँ मैं, तो इसमें से सारे फिश मैंने ट्रांसफर कर दिए, कुछ इसमें है स्नेल्स और एक हिल स्ट्रीम लोच इसमें है, बाकी के अपने वो मेन वाले एक्वेरियम में है। ये वाला गिव अवे भाई किसी को भी चाहिए हो तो बता देना, मैं कोई इधर आसपास जो रहते हो जानते हो, ठीक है। तो बस अब स्नेल्स रह गए, इसमें से सारे स्नेल्स निकाल लेते हैं, बहुत सारे बच्चे भी दे दिए स्नेल ने, तो बहुत सारे स्नेल हो गए। तो ये हुआ एक, ये 3 स्नेल ये हैं, और भी निकालता हूँ, तो ये 6 और निकले, और भी हैं तो सर्च करना पड़ेंगे। तो पहले इतने हैं जो वो डाल देते हैं पानी में, नहीं तो इनको प्रॉब्लम होती है, पानी के बाहर रहते हैं, तो ये पानी वाले स्नेल्स हैं। तो अभी इनको इस वाले गोल्ड फिश वाले टैंक में डाल देते हैं सबको।